नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले पंजाब किंग्स के बारे में, जहां पे हम बात करेंगे इस वीडियो में कि जो कि आज का मैच होने वाला है पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच में, चेन्नई में ये मैच रखा गया है। तो इस मैच को पंजाब किंग्स की जो प्लेइंग इलेवन है वो संभावता क्या हो सकती है, क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं इस प्लेइंग इलेवन में, और दोस्तों अगर बात करें तो पिच रिपोर्ट कैसा है, और वहीं अगर बात करें तो पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में जो हेड टू हेड मुकाबले हुए हैं उसमें किसका पलड़ा जो है कितना भारी पड़ा है, और कौन से टीम जो है ज़्यादा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस करके दिखाया है एक दूसरे के खिलाफ। तो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे बड़े फ़ैन हैं आप पंजाब किंग्स का, केएल राहुल के सपोर्ट करते हैं इस टीम को, जिताना चाहते हैं आईपीएल 2021 का खिताब, तो बेझिझक सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको रोजाना और हमेशा अपडेट मिलती रहे आपके सबसे फेवरेट टीम पंजाब किंग्स से जुड़ी हुई और आईपीएल 21 की सारी खबरों से जुड़ी हुई। और हाँ दोस्तों, आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके आईडी का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों, आप भी जो कमेंट करके इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्लेइंग इलेवन और बदलाव होने वाले पंजाब किंग्स के टीम में हमें बताते रहिए। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो में कि क्या है पूरी रिपोर्ट। अब दोस्तों अगर बात करें पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस का, दोनों टीमों का जो पाँचवा मैच है, और अगर बात करें आईपीएल 2021 का, ये मुकाबला हमें देखने को मिलेगा चेन्नई में आज के दिन। वहीं अगर दोस्तों बात करें पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस, दोनों टीमें अपना पिछला मुकाबला जो है हार गई हैं, और ऐसे में पंजाब किंग्स की अगर बात करें तो उन्हें तीन लगातार हार मिली है, चार मुकाबले में से उन्होंने एक मुकाबला जीता है। और अगर बात करें तो पंजाब किंग्स की टीम यहाँ पर जरूर वापसी करना चाहेगी। वहीं अगर बात करें मुंबई इंडियंस की टीम की, तो उन्होंने चार मुकाबले खेले हैं जहाँ पर उनमें दो में जीत मिली है और दो में हार मिली है, और वो भी जो है कमबैक करना चाहेंगे, और पिछला मैच जो है वो हारी थी। तो अब दोस्तों अगर बात करें इसी चीज़ को लेकर के, तो पंजाब किंग्स की जो प्लेइंग इलेवन है उसमें हमें अच्छा खासा जो है बदलाव देखने को मिल सकता है। और जैसे कि चेन्नई के पिच पे पंजाब किंग्स ने बहुत सारे बदलाव किए थे उनके प्लेइंग इलेवन में, तो कुछ इसी तरीके का बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर बात करें अब तक खेले गए चार मुकाबले में, दो मुकाबले ऐसे रहे जहाँ पंजाब किंग्स की टीम की जो बैटिंग रही है वो पूरी तरीके से डामाडोल हमें दिखाई दी है। एक अगर बात करें चेन्नई के पिचेस पर, जहाँ पे पिच में घुमाव रहता है, पिच स्लो रहता है, तो बल्लेबाजों ने जो है ख़राब शॉट सिलेक्शन भी किए हैं और पिच को पहचान नहीं पाए हैं। वहीं अगर बात करें मुंबई जैसी पिच पे, जहाँ पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी काफ़ी मजबूत मानी जाती है, तो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वो पूरी तरीके से कोलैप्स होते हुए नजर आई। और यही दोस्तों अगर बात करें पंजाब किंग्स की टीम की जो बल्लेबाजी लाइनअप है वो पूरी तरीके से ख़राब बताई जा रही है, क्योंकि उनके पास खिलाड़ी हैं लेकिन अगर आप पूरी तरीके से उसको सेटअप नहीं कर पाते हैं तो आपके पास रिसोर्सेज का अनयूटिलाइजेशन वहाँ पर होता है। और पंजाब किंग्स की टीम में हमें क्रिस गेल का यूटिलाइजेशन पूरी तरीके से दिखा है, किस तरीके से पंजाब किंग्स की टीम उनको वेस्ट कर रही है। तो अगर दोस्तों बात करें बदलाव के लिए, तो हमें देखने को मिल सकता है मुंबई इंडियंस के खिलाफ केएल राहुल और क्रिस गेल की ओपनिंग जोड़ी। जैसे कि अगर बात करें मयंक अग्रवाल जो है काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, लेकिन क्रिस गेल जो है ओपनिंग नहीं कर रहे हैं पंजाब किंग्स के लिए और तीन नंबर पर मैच खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें यूएई में तो कंडीशंस कुछ अलग थे, लेकिन इंडिया के जो पिचेस हैं उसके कंडीशंस कुछ अलग हैं। क्रिस गेल अगर तीन नंबर पर आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, तो उन पर एक दबाव रहता है विकेट गिरने का और दूसरा दबाव रहता है रन बनाने का। वहीं अगर बात करें क्रिस गेल अगर ओपनिंग करने आते हैं तो उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ का प्रेशर रहता है, वो भी रहता है रन बनाने का, और उनके पास पूरा लाइसेंस रहता है कि जा करके खुल के बल्लेबाजी कर सकें, पावर प्ले का पूरी तरीके से उपयोग कर सकें। और हमने देखा है क्रिस गेल को कि अगर वो एक बार सेट हो जाते हैं और पावर प्ले के ओवर्स को निकाल लेते हैं तो उसके बाद कितनी ताबड़तोड़ और धमाकेदार बैटिंग करते हुए नज़र आते हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें तीन नंबर पे हमें मयंक अग्रवाल खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, और अगर बात करें चार नंबर पे तो निकोलस पुरन को टीम जो है बाहर कर सकती है, क्योंकि उन्हें चार मौके मिले, चार मौके में उन्होंने तीन मैच में जीरो बनाए हैं, एक मैच में उन्होंने आठ रन की पारी खेली थी, वो भी उनकी पारी पूरी तरीके से सुस्त नज़र आई, जहाँ पर पंजाब किंग्स के लिए हार का बड़ा कारण बने थे। तब दोस्तों अगर बात करें तो उनकी जगह पर हमें डेविड मलन जो है बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं चार नंबर पर, और पंजाब किंग्स की टीम जो है इन्हें ट्राई कर सकती है, क्योंकि T20 के नंबर वन बैट्समैन तो कुछ ना कुछ तो इनके पास कला होगा और इनकी जो काबिलियत होगी पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से हमें देखने को मिलेगी। और दोस्तों जिस तरीके से पंजाब किंग्स के फैंस को इंतजार है डेविड मलन का, वो हमें इस मैच में दिखाई दे सकता है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्या पंजाब किंग्स की टीम निकोलस पुरन पे वापस एक बार भरोसा जताएगी और उन्हें वापस जो चार या पाँच नंबर पर बैटिंग कराएगी, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। बात करें दीपक हुड्डा और शाहरुख खान के, दोनों बल्लेबाज प्लेइंग इलेवन से बने रहेंगे क्योंकि दोनों काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं। पिछले मैच में शाहरुख खान ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी, छोटी सी इनिंग हमें 22 रन की देखने को मिली, लेकिन उसके बाद वो भी आउट हो गए, जिसके बदले पंजाब किंग्स का जो स्कोर है वो 120 पे जा करके रुक गया।
अब दोस्तों अगर बात करें उसके बाद हमें बदलाव के रूप में देखने को मिल सकता है गेंदबाजी लाइनअप में, जहां मॉइसेस एनरिकेस और फेबियन एलन किसी भी तरीके से टीम से बने रहेंगे, क्योंकि फेबियन एलन ही एकमात्र ऐसे गेंदबाज बने थे जिन्हें हैदराबाद के खिलाफ एक विकेट मिला था। वहीं अगर बात करें तो गेंदबाजों में बदलाव देखने को मिल सकता है, मुरुगन अश्विन टीम से बने रह सकते हैं या फिर उनकी जगह पंजाब किंग्स की टीम अगर बात करें तो रवि बिश्नोई को खिला सकते हैं, और रवि बिश्नोई मुरुगन अश्विन अगर दोनों साथ में खेलते हैं तो पंजाब किंग्स का काफ़ी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। तो ऐसे पंजाब किंग्स का जो है एक एक्स्ट्रा बैट्समैन को ड्रॉप करना पड़ेगा और उनकी जगह एक बॉलर को खिलाना पड़ेगा, जो कि पंजाब किंग्स के लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। और अगर बात करें रवि बिश्नोई की, तो जिस तरीके से वो लेग स्पिन करते हैं, और अगर बात करें तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ टॉप ऑर्डर में क्विंटन डिकॉक, वहीं अगर बात करें नीचे बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन, कुणाल पांड्या ही ऐसे तीन लेफ्टी बैट्समैन हैं जो कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ बैटिंग करते हैं। लेकिन अगर दोस्तों बात करें तो राइट हैंडेड मुंबई इंडियंस के खिलाफ बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज हैं, रोहित शर्मा अगर हम बात करें, सूर्य कुमार यादव, कारण पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, ये सारे ऐसे बल्लेबाज अगर जिनका विकेट पंजाब किंग्स को मिल जाता है तो पंजाब किंग्स की पूरी टीम जो है पकड़ बना सकती है अपना इस मैच में। लेकिन देखना दिलचस्प होगा रवि बिश्नोई को किसकी जगह खिलाया जाएगा, क्या मुरुगन अश्विन को ड्रॉप किया जाएगा या फिर दोनों गेंदबाजों को जो है साथ में पंजाब किंग्स की टीम मौका देना चाहेगी, ये भी देखना एक दिलचस्प रहेगा। तो आपका क्या कहना है इन बदलावों के बारे में? और अगर दोस्तों बात करें पंजाब किंग्स की टीम हर्षदीप सिंह की जगह ईशान पोरल को भी खिला सकती है, उनको भी जो है एक मौका दे सकती है। तो आपका क्या कहना है इन सारी रिपोर्ट्स के बारे में, इन सारे बदलाव के बारे में? क्या पंजाब किंग्स की टीम ये सारे बदलाव करे अपने प्लेइंग में या ना करे, या आप में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों अगर बात करें पिच रिपोर्ट की, तो पिच रिपोर्ट पूरी तरीके से नॉर्मल ही बताया जा रहा है। जैसे चेन्नई की पिच अब तक खेली है वैसा हमें खेलते हुए दिखाई देगी, स्पिनर्स को काफ़ी मदद मिलने वाली है, पिच पे घुमाव रहेगा और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जाएगा चेस करना जो है मुश्किल होता जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों बात करें जो भी टीम टॉस जीतकर बल्लेबाजी करेगी वो यहाँ पर बड़ा टारगेट सेट करना चाहेगी। दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में? टॉस जीतकर केएल राहुल को बल्लेबाजी करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा पहले मैच में बल्लेबाजी पूरी तरीके से फ्लॉप रही थी। वहीं अगर बात करें दूसरे मैच में, तो पंजाब किंग्स की टीम शायद जो है गेंदबाजी कर सकती है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर बात करें मुंबई इंडियंस की जो साइड है वो काफ़ी मजबूत है, उनकी बैटिंग लाइन काफ़ी लंबी है, तो ऐसे में पंजाब किंग्स की टीम पहले बल्लेबाजी करने का रिस्क किसी भी तरीके से लेना नहीं चाहेगी। तो पंजाब किंग्स की टीम अगर टॉस जीतती है तो यहाँ पर गेंदबाजी का फैसला जरूर करेगी और चाहेगी कि वो जो है स्कोर को चेस करे और बल्लेबाजी को पूरे आराम से जो है मैच को लेकर जाए और मैच को जीते और इस मैच में वापसी करे। दोस्तों आपका क्या कहना है पंजाब किंग्स के टीम के बारे में इस मैच को लेकर के, कि ये मैच कौन जीत सकता है? और अगर बात करें तो पंजाब किंग्स जो इस मैच में वापसी करेगी कि नहीं करेगी, ये आप में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो लेकर आएँ तो उसका अपडेट और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।